तो बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक की, जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स कहीं ना कहीं लो प्रोडक्शन करती हैं एक और फैक्टर की वजह से, और वो फैक्टर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देते हैं बहुत सारी डिजीजेस कॉज करके। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। ये तीन मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि हमारी क्रॉप प्लांट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं और इनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज कर देते हैं। चलिए हम अब डिजीज़ेस को देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट, जो हमारा गेहूं का प्लांट है, जो वीट प्लांट है उनकी पत्तियों पे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे रेड कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि एज ए रस्ट दिख रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि उनमें जंक लग गई है। तो इसलिए इस डिजीज़ को हमने बोला ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। दूसरा हम देख पा रहे हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो हमारा गन्ना है वो अंदर से पूरा रेड कलर का हो गया है, सड़ गया है, इसलिए हमने उसको नाम दिया रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तीसरा हम यह देख पा रहे हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आलू है उसकी पत्तियां सड़ गई हैं और जो आलू खुद है वो भी पूरी तरीके से सड़ रहा है, गल रहा है। और ये तीनों डिजीजेस कॉज करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं फंजाई। वहीं आगे हम बात करें, एक डिजीज़ है हमारे पास जिसे हम बोल रहे हैं ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। तो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स कॉज करता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारी पत्ता गोभी है वो पूरी तरीके से सड़ती जा रही है, गलती जा रही है, और अंदर से भी उसके अंदर ब्लैक कलर की सड़ने की चीज़ें हमें दिख रही हैं, और इसलिए हमें उसे बोला ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। आगे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्निप मोज़ेक डिजीज़। टर्निप मोज़ेक डिजीज़ में आप देख रहे हैं ऐसे छोटे छोटे पैचेस हो गए हैं ब्लैक कलर के टर्निप पे। इसके अलावा एक और डिजीज़ हम यहाँ देख रहे हैं जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। जो टोबैको प्लांट होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें ऐसे पैचेस हो जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन और कलर के, और ये दोनों मोज़ेक डिजीज़ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है यानी वायरसेस वो इसे कॉज करते हैं। तो इन्हीं सब डिजीज़ेस से बचाने के लिए हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को फॉलो करना होगा, जिसमें जो हमारा हाई यील्डिंग प्लांट है उसे हमें ब्रीड करवाना होगा डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट के साथ, और इसी ब्रीडिंग की मदद से फिर हम एक हाइब्रिड वेराइटी डेवलप कर पाएंगे जो कि अल्टीमेटली डिजीज़ रेजिस्टेंट ज़रूर होगी। लेकिन ये प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक फॉलो करने के लिए हमें पहचानना होगा कि जो डिजीज़ हो रही है उसका मेन ऑर्गेनिज़म कौन सा है, यानी कॉजिटिव ऑर्गेनिज़म जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है। जैसे हमें पता है जो ब्राउन रस्ट ऑफ वीट है उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज़म है फंगस, यानी फंगस इस डिजीज़ को कॉज करता है। और ब्रीडिंग कराने से पहले कॉजिटिव ऑर्गेनिज़म के साथ साथ हमें उसका ट्रांसमिशन मोड भी पता होना चाहिए कि वो डिजीज़ आखिरकार हो कैसे रही है या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल कैसे रही है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हमें पता है जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल, तो इन सारे फैक्टर्स की मदद से हम आसानी से प्लांट ब्रीडिंग को आगे फॉलो कर सकते हैं और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और दूसरी जो हम नई टेक्निक की बात करते हैं उसका नाम है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें हमने सीखा है एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक और एक आर्टिफिशियल सेलेक्शन टेक्निक, जो कि दोनों मिलकर हमें प्लांट ब्रीडिंग करने में मदद करते हैं। एक दूसरी नई टेक्निक की हम आगे जाके बात करेंगे जिसका नाम है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अगर हम अभी बात करें कन्वेंशनल ब्रीडिंग की, तो जैसा हमने सीखा है कि इसमें वही सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं। पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड कॉम्बिनेंट्स, पांचवा टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, और लास्ट कंपैरिजन बिटवीन लोकल क्रॉप कल्टीवर एंड द हाइब्रिड। तो ये सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग में। अब हम आगे जाके बात करेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में।
हम यहाँ पर कुछ डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटीज की बात करेंगे। ये वो क्रॉप वेराइटीज हैं जो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के थ्रू ब्रीडिंग की गई हैं और ये रेजिस्टेंट हैं बहुत सारी डिजीजेस के लिए। तो चलते हैं एक टेबल देखते हैं जिसमें हम इन डिजीज रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटीज की बात करेंगे। सबसे पहले टेबल में हम बात करेंगे क्रॉप की, उसकी वेराइटी और एट लास्ट वो कौन सी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा खाने वाली या कंज्यूम करी जाने वाली क्रॉप जो है वो है वीट। वीट की एक वेराइटी है जिसका नाम है हिमगिरी और ये रेजिस्टेंट है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट के लिए एंड हिल बर्नड डिजीज के लिए। दूसरी क्रॉप जो है उसका नाम है ब्रैसिका। ब्रैसिका की जो वेराइटी है वो है पूसा स्वर्णिम, इसको हम करण राई के नाम से भी जानते हैं और ये रेजिस्टेंट है वाइट रस्ट डिजीज के लिए। फिर हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर की। कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1 और ये रेजिस्टेंट है हमारी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट के लिए। फिर हम बात करेंगे काओ पी के लिए, इसकी एक वैरायटी है पूसा कोमल और ये रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज के लिए। लास्ट हम बात करेंगे चिली की, इसकी एक वैरायटी है पूसा सदाबहार और ये रेजिस्टेंट है हमारी चिली मोजैक वायरस और टोबैको मोजैक वायरस के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे पास एक प्लांट है जो कि लो ईल्डिंग प्लांट है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है। दूसरी तरफ हमारे पास एक और प्लांट है जिसमें आप देख पा रहे हैं वो हाई ईल्डिंग वेराइटी है लेकिन उसके पास डिजीज़ रेजिस्टेंट कैरेक्टर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास हाई ईल्डिंग वेराइटी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाए, तो उसके लिए हम करते हैं जीन ट्रांसफ़र, यानी जो डिजीज़ को रेजिस्टेंट कॉज करने वाला जीन है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारी हाई ईल्डिंग वेराइटी में। और इस प्रोसेस को जिसमें हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों चलते हैं और इस सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक भिंडी का प्लांट है जो कि एक वाइल्ड वेराइटी है और दूसरी तरफ हमारे पास एक और भिंडी का प्लांट है जो कि हाई ईल्डिंग वेराइटी है भिंडी की। जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो अल्टीमेटली हम एक डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करते हैं जिसे हम बोलते हैं परभनी क्रांति। तो जो वाइल्ड वेराइटी भिंडी की थी और जो हाई ईल्डिंग वेराइटी थी, इन दोनों के बीच में हमने कराया क्रॉसिंग और इसी तरीके जो वाइल्ड वेराइटी जो डिजीज रेजिस्टेंट थी उसका जीन ट्रांसफर हुआ हाई ईल्डिंग वेराइटी में और फाइनली हमें जाके एक डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी मिली और उसे हमने बोला परभनी क्रांति। तो हम यहां पर बात करेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक मेज यानी बुट्टे का पौधा आपको दिख रहा है जो कुछ ऐसा बुट्टा बना रहा है जिसकी जो सीड्स हैं वो ख़राब लग रही है या प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोसेस किया है जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। आपने पिछले चैप्टर्स में सीखा है म्यूटेशन के बारे में, तो उसे पहले रिवाइज करते हैं। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएशंस यानी चेंजेस पैदा करते हैं, जो जीन है या जो जीन के बेस सीक्वेंसेस हैं हम उसे चेंज करते हैं और इसी चेंज की वजह से एक न्यू कॉपी डेवलप होती है जिसे हम बोलते हैं म्यूटेंट कॉपी या म्यूटेटेड कॉपी। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है और उसी के साथ साथ करेक्ट कॉपी और दूसरी तरफ एक म्यूटेटेड कॉपी भी आपको दिख रही है। तो इस म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जो हमें पेरेंट प्लांट में नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करें हमारा मेज का प्लांट, अभी हमने देखा जब हमने इसमें म्यूटेशन कराया तो म्यूटेशन के बाद जो प्लांट में कैरेक्टर्स डेवलप हुए वो कम्प्लीटली अलग थे, वो पेरेंट प्लांट से बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो जैसा आपने यहाँ पे देखा, एक पहले मेज का प्लांट था जिसमें जो बुट्टा बन रहा था वो सही नहीं बन पा रहा था, वहीं हमने जब इसमें म्यूटेशन करवाया तो इसमें जो बुट्टा बना, जो मेज बना, उसकी सीड्स कितनी अच्छी हमें दिख पा रही है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग, यानी एक ऐसी प्लांट ब्रीडिंग जिसमें हम जीन सीक्वेंस को ही म्यूटेट कर दे रहे हैं या चेंज कर रहे हैं ताकि हमें डिजायर्ड न्यू कैरेक्टर्स मिले जो पेरेंट से कम्प्लीटली अलग हों।
तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग सक्सेसफुली करवाने के लिए यानी उसके अंदर म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए हम यहाँ दो मेथड्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा केमिकल्स को यूज़ करना। हम ऐसे केमिकल्स को यूज़ करें जो कि प्लांट के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस कर सकें, जो कि उसके जीन सीक्वेंस को बदल सकें। दूसरा तरीका है हमारा यूज़ ऑफ रेडिएशंस यानी गामा रेडिएशंस। ये गामा रेडिएशंस प्लांट का जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसे बदल देती है यानी म्यूटेशन इंड्यूस हो जाता है और इस तरीके से म्यूटेशनल ब्रीडिंग हम करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक सक्सेसफुल एग्जांपल की जिसमें हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग करवाई है, तो वो एग्जांपल है हमारा मूंग बीन प्लांट। मूंग बीन प्लांट या हरी फली जिसे हम कहते हैं, तो उसकी हमने एक डिजीज़ रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटी डेवलप की है। ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हाइब्रिड वेराइटी दो डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट हुई है। पहला येलो मोज़ेक वायरस, जो कि इस लीव्स को येलो कलर का येलो पैचेस में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से मूंग बीन प्लांट डेवलप किया है वो हमारा रेजिस्टेंट है येलो मोज़ेक वायरस के लिए, और दूसरा वो रेजिस्टेंट है हमारा पाउडरी माइल्ड्यू के लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं इसके लीव्स में वाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो हमने इस प्लांट को म्यूटेशनल ब्रीडिंग के थ्रू पाउडरी माइल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंट किया है। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए एक चैलेंज देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, टोबैको मोज़ेक डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंजाई, डी एल्गे। तो जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? यहाँ पर हम वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे जिसमें आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमारा सही आंसर है बी यानी वायरसेस। रीज़न ये है कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है वो वायरस से कॉज की जाती है, जैसा कि हमने पहले सीखा है।